क्या आपको पता है कि इंसानी दिमाग खुद में एक अजूबा है, क्योंकि उसके कोने कोने में असंख्य गुत्थियां सुलझी पड़ी है, जिसे सुलझाने के लिए 10 करोड़ डॉलर की ब्रेन मैपिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। क्या आपको पता है कि मिनी ब्रेन क्या होता है और यह कैसे काम करता है, या फिर क्या आप जानते हो कि ह्यूमन ब्रेन में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की परसेंटेज क्या होती है? तो ध्यान देना। देखिए, मशीन और इंसान में एक मौलिक अंतर होता है। वह अंतर यह होता है कि मशीन के पास नेचुरल माइंड नहीं होता, जबकि वहीं ह्यूमन के पास उसका खुद का नेचुरल माइंड होता है। अगर मशीन के पास भी नेचुरल माइंड होता तो मशीन अब तक इंसानों को गुलाम बना चुका होता। परंतु संसार के सारे जीवधारियों को पछाड़कर धरती पर छा जाने वाला इंसान के दिमाग का विकास कैसे होता है, या फिर मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है? तो इस प्रकार के दिमागी सवाल समस्त जीवित मनुष्य के लिए खुद में एक पहेली बनी हुई है। लेकिन इधर कुछ समय से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत ही बड़ी साइंस एक्सपेरिमेंट लैब में इंसानी दिमाग जैसे संरचना बनाई गई है और इस दिमाग को पढ़ने के लिए तमाम परियोजनाएं शुरू की गई है। वैसे वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस तरह से जल्द ही हमारा अपना दिमाग हमारे काबू में होगा। वैसे इस काम को, मतलब कि एकदम हूबहू इंसानी दिमाग जैसा संरचना बनाने का काम, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट जे नोबलिस के साथ ब्रिटेन के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के ह्यूमन जेनेटिक्स के रिसर्चर्स ने मिलकर यह काम शुरू किया था। इन्होंने अपनी साइंस एक्सपेरिमेंट लैब में ह्यूमन ब्रेन की टिश्यू का 3D ब्रेन का विकास करने में सफलता हासिल की है। इसलिए इन वैज्ञानिकों का दावा है कि इन्होंने साइंस एक्सपेरिमेंट लैब में सेरेब्रल ऑर्गेनॉइड्स का विकास कर लिया है, जिसे मिनी ब्रेन कहा जाता है। इस मिनी ब्रेन को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने इंसान के स्टेम सेल का सहारा लिया था और इसके प्रयोगशाला में एक ऐसी स्थिति पैदा की गई थी जिसमें इंसानी दिमाग जैसा कई क्षेत्र विकसित हो गए। इस प्रयोगशाला में इंसानी दिमाग का यह छोटा सा स्वरूप बना लिया जाना हमारे सभ्यता के नजरिए से यह एक महान उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि अगर हम एक बार जान लें कि इंसान का दिमाग कैसे विकसित होता है और किन हालातों में यह विभिन्न मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है, अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए आविष्कार करना, मौलिक संरचना बनाना और आतंकी विध्वंसकारी मानसिकता से जुड़े पहलुओं को समझना तथा उन पर काबू पाना आसान हो पाएगा। वैसे असल में हम जिस दुनिया को सदियों से इंसानी दिमाग का करामात का नतीजा कहे जा रहे हैं, यह सब मानव मस्तिष्क का ही देन है। पृथ्वी पर मौजूद अन्य जीवनधारियों से अलग इंसानी दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन बटोरते रहता है और उसे एनालाइज करते रहता है, फिर बाद में इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके चुपचाप हमारे लिए चेतना और अर्थार्थ का एक संसार रचता है। वैसे वैज्ञानिक तो यह भी कहते हैं कि हमारा दिमाग के 10 खरब ब्रेन सेल जिस काम में लगे रहते हैं उसकी 90% हिस्सा की सक्रियता अनकॉन्शियस माइंड में होता है और बाकी के 10% हिस्सा की सक्रियता कॉन्शियस माइंड में होता है। हालांकि कुछ चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड को पता नहीं होता है, जिसके लिए वह अनकॉन्शियस माइंड से सलाह लेता है, पर कई बार अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर यही जानकारी दिमागी खेल को एक झटके में नया मोड़ दे देता है। और शायद इसलिए कहा जाता है कि मानव सभ्यता के लिए सदियों से जो रहस्य अनसुलझे रहे हैं, वह रहस्य है इंसान का खुद का अपना दिमाग, जिसके कोने कोने में न जाने कितने असंख्य गुत्थियां अनसुलझी पड़ी है। इसलिए इसकी मौलिक सोच और नई रचना का सारा श्रेय इंसानी दिमाग में कैद इन्हीं रहस्यों को जाता है। वैज्ञानिक द्वारा इंसानी दिमाग को समझने के इन कोशिशों का मकसद सिर्फ मानसिक विचारों से निपटने का रास्ता खोजना ही नहीं, बल्कि इसके पीछे कहीं न कहीं वह सोच भी काम कर रही है जो कुछ तबकों को बाकी दुनिया से श्रेष्ठ बनाए रखना चाहती है। जैसे पिछले ही साल इंसानी दिमाग को पढ़ने के लिए अमेरिका ने 10 करोड़ डॉलर की लागत वाला ब्रेन मैपिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसका उद्देश्य कुछ ऐसा ही था। वैसे कहते हैं कि अमेरिका के ब्रेन रिसर्चर्स एडवांस्ड और इनोवेटिव न्यूरो टेक्नोलॉजी के जरिए यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे माइंड में जो भी विचार आता है उसका शुरुआत कहाँ से होता है और वह कैसे काम करता है, एवं उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर की फंक्शन क्या होती है।